का चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले बादशाह और हनी सिंह के बीच में चल रही कंट्रोवर्सी की, जिसमें हनी सिंह के फैंस को ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ओके सो लेट्स गेट इनटू इट टुगेदर, बेस से बात करते हैं। बनाते रहे सो दैट्स द पॉइंट ना। सो हनी वाज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज करियर, सिर्फ अपने करियर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे आई थिंक। हाँ यार, मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं है ना, एंड ठीक है आप अपना करियर बना रहे हो, आप हमारे बारे में तो सोचो। अभी पता था, अभी तूने कहा था अभी ये ना, अभी पता था। सिंह बाजी वो जिन्होंने बॉम्बे में आके या पैन इंडिया ये बताया कि यार हाँ हम पंजाबी अच्छा लिखते हैं, हाँ पंजाबी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। सो उन्होंने हम सभी को दिखाया, उसके बाद हमारे रास्ते सभी के खुल गए। ऑब्वियसली लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, म्यूजिक में रेवोल्यूशन लाने वाला बंदा ये है, तो ऑब्वियसली वो आई स्टैंड बाय दिस दैट। हनी भाई ने हमको बहुत सिखाया, तो यस हनी भाई का बहुत बड़ा रोल है। हनी अगर ना आता तो ये जॉनर इस मकाम तक ना पहुंचता, इतना इंपॉर्टेंट है उसका रोल। सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता, तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही ना होता। देखो हुआ होगा मे बी हनी सिंह और बादशाह के टाइम पे उस बीच कुछ अनबन, जिसको लेकर के इन्होंने सीधे इंटरव्यू में ही जाके बोल दिया, बिना जाने कि भाई आप किस पोजीशन पे हो भी। पर ठीक है, सेलिब्रिटीज लोग इनकी फाइट, ऑडियंस मजे लेते हुए हमेशा की तरह। और जाहिर सी बात है कोई भी आर्टिस्ट अगर, तो वो दूसरों के लिए कितना ही करेगा, अपने आप को तो पहले ही रखेगा ना यार कि हाँ पहले मेरा हो जाए बाद में इनका देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन भयंकर टकरार चल रही है अभी बादशाह और हनी सिंह के फैंस में। बादशाह के कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा अच्छे हैं, और बाद में वही कह रहे हैं कि हाँ हम बचपन में हनी सिंह के गाने सुनते थे। तो राउंड फिगर में सारे हनी सिंह के फैन है ऑलमोस्ट। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। तो बहुत सारे मीम्स बन रहे, तो देखते हैं ना। भाई एक कमेंट के आधे गाने पे तो बादशाह ने रिप्लाई किया है हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी यार तेरा कर लेगा। तो रिसेंटली बादशाह का एक गाना आया जिसमें उन्होंने बोला है कि कमबैक नहीं हो रहा, और भैंस क्या कितना तगड़ा कमबैक हुआ। कमबैक ही क्या यार, कमबैक किसको कहते हैं। कमबैक बंदा 5 साल तक गाना नहीं गाया, बट फिर भी सारे न्यूज चैनल में हर कोई बंदा गाने सुन ही रहा है, कहीं भी गाना बज जाए लिरिक्स हर किसी को याद है, तो उसको कमबैक थोड़ी बोलेंगे हम। वो तो ऑलरेडी मार्केट में था ना, बस गाने नहीं आ रहे 5 साल से। जब ब्लूटूथ के जमाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में राज कर रहा है, बादशाह ने सामने से उसको पोक कर दिया, जिसकी वजह से songpk.com, mrjatt.com, pagalworld.com जैसी वेबसाइट्स फेमस हुई थी। उसको पोक कर रहे हैं लिटरली। और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो। ओ भाई भाई मेरे ना, मेरे दो बड़े भाई हैं ठीक है, तो जब मैं छोटी थी ना हनी सिंह के गाने ही चलते। तुम किसी भी बंदे से पूछोगे ना आज के टाइम पे भी कि तुमने हनी सिंह का गाना सुना है कभी, तो उनका जवाब ये नहीं होगा कि नहीं सुना, उनका जवाब होगा और किसी के गाने चलते ही कहाँ थे, जहाँ देखो वही हनी सिंह के गाने चल रहे होते थे। मैं भैया का फोन लेकर के चला रही होती थी गाने, जब कीपैड वाले फोन आ रखे होते थे छोटे छोटे नोकिया के, भाई तब से गाने चल रहे हैं। 5 साल का ब्रेक ले लिया तो उसको सब पोक करने लग गए कि अरे व्यूज नहीं आ रहे इनके गाने में, तो व्यूज नहीं आ रहे अब आपके पे नहीं आएंगे, अब देख तू, अब देख तू। हाँ इसीलिए जब उन्होंने गाना अपलोड किया तो बादशाह सर के गाने से 5 गुना ज्यादा व्यूज थे। मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। हाँ, तो जब मैं अपने लिए एक स्टेज नेम ढूंढ रहा था तब उनकी फिल्म आई थी बादशाह, तो मैंने सोचा बादशाह रख लेते हैं। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। ए भाई मम्मी या ओदा कह लो भी हनी भाजी भी उन्होंने भी दसिया भी कहते है, कहते यू लिव लाइक अ बादशाह, मतलब तू जब तेरा मन करता तू फोन चकदा है, जब तेरा मन करता तू उठता है, तो फिर उस तो बाद बस बादशाह डिसाइड हो गया भाई। ओके भाई ऐसी भी क्या दुश्मनी जो अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दे रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। मान लो ना हनी सिंह ने आपको बादशाह बोला था, फिर आपने अपना नाम बादशाह रख लिया था, बाद में स्टेटमेंट भी चेंज करो कि नहीं नहीं उस टाइम पे तो शाहरुख खान की मूवी आई थी तब रखा था मैंने नाम अपना बादशाह। एंड यार बादशाह के बंदे को ऐसा नहीं है कि हम बादशाह को पसंद नहीं करते, हम उनके गाने नहीं सुनते, बट बिना बात के पोक करना उनका बहुत ज्यादा गलत था, तो इसीलिए वीडियो बना रहे की मर्दों वाला काम करके आया हूँ मैं। यू नो एंड इन इंडिया बादशाह इज नंबर 1। अच्छा नंबर 2 आपके फादर आए।
और अभी तो बहुत सारे नए नए गाने भी आने वाले हैं। भाई ने वो वाले टी शर्ट पहन करके भी वीडियो डाल दिया कि हाँ कुछ तो आने वाला है। भोकाल कलाकार आया था, अब काला स्टार आएगा। फैंस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन बाकी लड़के कर ही रहे हैं मुझे कॉपी और ये सब कर ही रहे हैं 5-7 साल से मुझे देख के कह रहे बाजी है। तुम्हें नहीं कह रहा बाकी और कह रहा हूँ जो इंडस्ट्री में काम मेरा लॉर्ड ऑफ पीपल और फिर भी मुझे गाली बकते हैं कोई बात नहीं। बैस की आँख चेन चेन फर वाली जैकेट रेड जैकेट सेम लुक। अच्छा भाई मान लो ना यार अब करते हो कॉपी, चलो ठीक है कॉपी नहीं करते इंस्पिरेशन लेते हो, बट अग्री तो करो कि हाँ मैं इंस्पायर होता हूँ उनसे। ये क्या बात होती है, हाँ तुम 5 साल से गाना नहीं लाए हो ना तो तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, टीली लीली टीली, ये कोई बात थोड़ी होती है यार। जली ना तेरी भी जली ना। This is the man who started everything. Neena Chille. That's the thing. 2007, the man who started everything. We're together. Watch the space. अभी ये वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल हो रही है, लगता है कि इनका कोलैब आ सकता है साथ में। हर एक टाइम था जब इमरान खान से हनी सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया कौन मैं नहीं जानता, और अब देख लो। कह रहे हो तो पुरानी बातें थी, बट हम होप करते हैं कि अगर कोई गाना आ रहा हो तो बहुत ही बढ़िया ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिस्टम फाड़ देंगे। दारू छोड़ दी की बोतल में से दो हाथ निकल आए थे भाई, बीमार ही पड़ गए थे आप तो एकदम से ही, बोतल में से हाथ निकलने बहुत जरूरी थे। बोतल कहती थी या तो तू जिले या मैं जिलूं। तो अब गाने किसपे बनेंगे? गाने इश्क पे बन रहे हैं। फिलहाल इश्क का मौसम बन रहा है। खत्म हो गया वो भी। खत्म हो गया वो भी। दारू छोड़ दी मैं। भाई सच में अभी जो गाना आया खुल्ले खुल्ले, भाई क्या गाना है यार, मजा आ गया सुनकर, मतलब पूरी वाइब है उस गाने के अंदर। वैस की आँख बादशाह भी लाइक कम बैक वाली लाइन मेरा करियर खा गई। भाई क्या वाइब है यार इस गाने में, भैंस की आग। दिन में 3-4 बार तो सुनी ले रही हूँ मैं इसको वाइब करने के लिए बस की हाँ चलो ठीक है। हनी सिंह कह रहा वापस आने वाला, लिटरली बोल रही हूँ भाई, वो 2011, 12, 13, 14 वो सब वापस आने वाला है भैंस की आग। अभी भी मेरे को हनी सिंह के गाने के ऑलमोस्ट सब गाने के लिरिक्स याद है, इवन जो एल्बम थे ज्यादा फेमस भी नहीं वो पाए थे उसके भी याद है भाई। मतलब पूरे अच्छे से याद नहीं है बट हाँ गाना कहीं बजा दोगे तो मेरा चालू रहता कि यार तू चुप रहे बाबा तू चुप रहे। बट अभी करंट चैलेंजेस क्या है, व्हाट डू यू फील कि एज एन आर्टिस्ट आपके अभी अभी क्या है, क्योंकि हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज, बिग चैलेंज। ओके व्हाई डू यू फील इट्स अ चैलेंज, डोंट यू फील कॉन्फिडेंस यार, आप खुद एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, पता है ऑडियंस की बात। नहीं नहीं पता क्या है, अभी ना गाने मैंने हनी 3.0 से पहले भी कुछ निकाले, कुछ चले नहीं चले, जो नहीं चले वो बहुत नए थे, जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीज़ें थी, लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 एग्जैक्टली भाई वो पागल करनी है वापस से, और वो स्टार्ट हो चुका है, वो दौर स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि लिटरली अभी हर जगह मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लो हनी सिंह के गाने दिखेंगे ही दिखेंगे 100%। यू बेटर अंडरस्टैंड, मेरे को ये सुनने में आता है कि कोई अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो मेरे फैंस उसकी बैंड बजा देते हैं, तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसा सच में होता है क्या, तो मैंने चेक किया वाकई बैंड बजा देते हैं वो लोग, तो वाकई बैंड बजाते हैं वो लोग तो ऐसा करने का मजा है ना जिंदगी में कि आपको कुछ करना ही पड़े, आपकी एक ऐसी आर्मी तैयार हो जाए आपको प्यार करने वाली, कि जो ट्रोलिंग श्रोलिंग बकवासबाजी इधर उधर करने वाले लोग हैं वही लोग अपने आप उनको संभाल लें, आप अपने फोकस पे रखे रहो बस। भाई साहब भाई लिटरली यार बादशाह को इतनी हेट मिल रहे ना, इतनी हेट, आई डोंट थिंक कि पूरे करियर में इतनी हेट कभी मिली होगी उनको जितना बस उनको एक लाइन बोलने से मिल रहा है। बट एट द एंड मैं यही बोलूंगी कि दोनों काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल हनी सिंह के फैंस नहीं मानेंगे क्योंकि बिना बात के पोक क्यों किया। पर ठीक है सोशल मीडिया की कॉन्ट्रोवर्सी है, 2-3 हफ्ते बाद सब भूल ही जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा, वापस से गाने पे गाने आए जाएंगे। बट एक चीज देखो तुम, बादशाह ने बोला कमबैक नहीं हो रहा और गाना ऐसा बनाया हनी सिंह ने कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि लो भाई
अब तुम देखो, अब मैं बताऊंगा, अब तू गया बेटा। ओके सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, राधे राधे एंड वन मोर थिंग कि कोई हेट नहीं है मेरा बादशाह सर के लिए एंड हनी बाजी के लिए।